इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। धर्म टेकड़ी पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 3 बाइक चोर पुलिस के हाथ लग गए। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व एकता कॉलोनी निवासी चंद्रभान गोस्वामी की रॉयल इनफील्ड चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो संदेह के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस ने बुलेट के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है, जिनके पास से 2 और बाइक्स बरामद की गई हैं। निगम द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज निगम अतिक्रमण दल द्वारा सड़कों पर फैले अतिक्रमण से प्रभावित हो रहे यातायात को सुचारू करने के लिए सब्जी बाजार पानी टंकी के पास की अतिक्रमण करने वालों की दुकान अंदर कराई गई एवं टाउन हॉल अनगढ़ हनुमान मंदिर के पास फल विक्रेता को रोड से हटा कर अंदर कराया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू है अभी वर्तमान में, पेपर्स में भी न्यूज़पेपर्स में भी शिकायतें आ रही है कि दुकानदारों ने सामान बीच में रख लिया है सड़कों के बीच में, तो उनको हटाने की कार्रवाई की गई और सभी मार्केट को भी पीछे पीछे किया गया जो सड़कों पर आ गए थे सभी दुकानदारों को, और साथ ही पोस्ट ऑफिस के सामने हनुमानगढ़ मंदिर के सामने का भाग जो था वहाँ पर भी फल वालों की दुकानों को भी पीछे हटाया गया, रास्ते को चौड़ा किया गया, मतलब जो अतिक्रमण था एम्बुलेंस आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक जाम होने की स्थिति बनती 3 लोगों की वजह से उनको हटाया गया। जो नारदेव की सबसे बड़ी व बाहुल्य आबादी वाली ग्राम पंचायत पाला चौराई के ग्रामीण ठंड के मौसम में भी पानी की समस्या से परेशान है। पाला चौराई पंचायत क्षेत्र में लगभग 40 वार्ड का समावेश है, वहीं लगभग 10 वार्ड में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी निवास करते हैं, लेकिन जब बात निस्तार व पीने के पानी की आती है तो इस समस्या का समाधान ना ही पंचायत कर पा रही है और ना ही वेकोली प्रबंधन पानी की व्यवस्था कर पा रहा है। ग्रामीण टैंकर व केन के माध्यम से पानी खरीद कर अपनी पूर्ति करने को मजबूर हैं। उच्च न्यायालय में नगर निगम के लंबित 23 वर्ष पुराने प्रकरण में निगम की जीत हुई। पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर एवं छत के लंबित प्रकरण का निर्णय निगम के हित में प्राप्त हुआ। पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स शहर के बीच में स्थित है, जो कि व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से बहुमूल्य है। वर्षों से उच्च न्यायालय में लंबित नगर पालिका छिंदवाड़ा एवं सुरेश अग्रवाल के न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा लंबी सुनवाई के पश्चात पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर और छत को नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को देने का आदेश पारित किया। इस आदेश से निगम को करोड़ों की बहुमूल्य संपत्ति वापस प्राप्त हुई। आयुक्त ने बताया कि पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर का प्रयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे फव्वारा चौक एवं इतवारी बाजार में आने वाले वाहनों की सुगम व्यवस्था बनाई जा सके। इस व्यवस्था से शहर के भीतर होने वाली जाम की असुविधा से आम जन को राहत मिलेगी। लोनिया करबल जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत क्षेत्रीय समस्त वार्डों के सहायक राजस्व निरीक्षकों, वार्ड सहायकों और जल कर वसूलीकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जोन अधिकारी नीरज तांबे और राजस्व निरीक्षक अमित सारवान द्वारा वसूली की समीक्षा की गई। बैठक में वार्ड के बड़े बकायादारों को बिल डिमांड नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर M34 फर्स्ट फ्लोर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और आनंदी कॉम्प्लेक्स जमाई रोड बरासिया। मोबाइल नंबर 9993773161, 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर बता रहे नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने नागपुर रोड छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566,
9165866। नवरात्र दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर एक कुबोटा ट्रैक्टर, संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, चार फाटक छिंदवाड़ा, मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटरप्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। थाना जुन्नारदेव एवं पुलिस चौकी अंबाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुरकी कला में एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से शराब की कुचिया का संचालन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही जुन्नारदेव थाना प्रभारी RP कवरेती के नेतृत्व में उप निरीक्षक तरुण सिंह मरकाम एवं अंबाड़ा चौकी प्रभारी मिथुन ओसारी के द्वारा दबिश दी गई एवं आरोपी के पास से लगभग 4,500 रुपये की लागत से लगभग 9 लीटर शराब जब्त की गई एवं आरोपी दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। निगम अमले द्वारा समझाइश देने के बाद भी प्रतिबंधित प्लास्टिक और डिस्पोजल का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गढ़ेवाल एवं मंगेश राव पवार द्वारा शहर के बाहर से शहर में प्रवेश कर रहे वाहन से प्रतिबंध डिस्पोजल जब्त की गई एवं इसके साथ ही 5,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संपन्न कराए गए, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के निर्देश पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन पांडे एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार द्वारा इन चुनाव के लिए 2,500 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई थी, जिसमें मतदान कार्य से 13 कर्मचारी अपनी चुनाव ड्यूटी से नदारद पाए गए। स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाई गई है। निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार इन सभी 13 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। गुरुवार को एकादशी के दिन श्री बड़ी माता मंदिर में प्रातः काल से ही गोबर लेपन आकर्षक रंगोली से मंदिर को सुसज्जित किया गया। साथ ही तुलसी विवाह, ग्यारस, एकादशी विशेष तिथि में माता रानी के गर्भगृह को गन्नों द्वारा श्रृंगार किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री प्रज्ञा पीठ भरतादेव रोड चंदनगांव में आज मकर संक्रांति, बसंत पंचमी से प्रारंभ होने वाली मातृशक्ति अखंड दीप जन्म शताब्दी श्रद्धा संवर्धन यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें छिंदवाड़ा जिला स्तर पर 5 रथ के माध्यम से सभी विकास खंडों के ग्राम पंचायत स्तर पर एक दिन में 5 से 6 ग्राम पंचायत में पहुंचेगी, जिसमें कुल 803 ग्राम पंचायतों को नशा मुक्ति का संकल्प करवाया जाएगा एवं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का संदेश लेकर पहुंचने हेतु चिंतन मंथन कर कार्य योजना को समझाया जाएगा, जिसे सभी परिजनों द्वारा सहमति प्रदान करने का संकल्प लिया गया। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी नशे की वस्तु का उपयोग प्रयोग उपभोग नहीं करूँगा। साथ ही दूसरों को भी इस कार्य हेतु प्रेरित करूँगा।